आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सरकार ने महिलाओं को भागीदारी के लिए संसद में महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब ओबीसी महासभा अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर उतर चुकी है। पूरे प्रदेश सहित रीवा जिले में आज संविधान संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें ओबीसी महासभा के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। पदाधिकारियों का कहना है कि सदियों की लड़ाई खत्म नहीं होगी। ओबीसी देश की सबसे बड़ी कौम अपने अधिकार से वंचित है और वह अपने अधिकार को लेकर रहेगी। संविधान संदेश यात्रा के दौरान मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ओबीसी महासभा ने कहा कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को बचाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी समाज को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आज इस संविधान की अनदेखी करके देश की सबसे बड़ी कौम की उपेक्षा की जा रही है। संविधान संदेश यात्रा में शामिल पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार जातिगत गणना क्यों नहीं करती, वह चुनाव को हटाते हुए पहले जातिगत जनगणना करे, तब उसे ओबीसी की ताकत का पता चलेगा। जिस ओबीसी के द्वारा आज सरकार खड़ी होती है, उसी ओबीसी की उपेक्षा की जा रही है और संविधान की अनदेखी की जा रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा पूर्व में जाना चाहूंगी कि हमारे महापुरुष थे, तो हमारे महापुरुषों ने सदियों से लड़ाई लड़ते आए हैं और 75 साल देश की आज़ादी के बाद भी हमारे जो भी नेता नेतृत्व किए लोकसभा के अंदर, उन्होंने भी इस बात को रखा, लेकिन सारे बिल पास हो रहे हैं, लेकिन एक ओबीसी ही ऐसा क्यों है कि जिसको लटका कर रखा गया। देश की सबसे बड़ी कौम ये ओबीसी, और ओबीसी आज तक अपने हक अधिकार से वंचित है। क्यों आखिर इतने सारे लोगों के होते हुए भी आखिर ओबीसी क्यों? सबको अपना अधिकार मिल गया, जो 10% के भागीदार थे उनको 10% दे दिया गया, तो ओबीसी का बिल क्यों अटका हुआ है? और इसको आज हम लोग रोड पर सो रहे हैं, देश भर में पूरे ये मैसेज है। ये रीवा संभाग से, रीवा जिले से हम लोगों ने शुरुआत किया है। निश्चित रूप से आप सबके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से ये मैसेज दूर दूर जाएगा और सारे हमारे भाई बहन आकर रोड पे आएंगे। अगर हम ये मानते हैं कि अगर हमारा संविधान, हमारा ये आरक्षण वापस नहीं करते हैं, ये बिल पास नहीं करते हैं, तो अब मांगने की जरूरत नहीं है, हम छीन के रहेंगे, छीनना पड़ेगा। इसके लिए हमारे बहनों को और हमारे भाइयों को साथ आना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया मांगते मांगते। हम भिखारी नहीं है, हम बहुत भोले वाले, हमारे महापुरुष थे, उन्होंने सबका साथ दिया, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो सब हाथ ही चलेते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। साथियों, मेरी बात कौन करेगा? इसलिए मैं ओबीसी भाइयों और बहनों से, खासकर भाइयों से, चूंकि ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बुलाएं, हमारी जनसंख्या बढ़े, और अब हमारी चिंता कोई करे न करे, हमें अपनी चिंता खुद है, हम अपना अधिकार स्वयं लेने के लिए सक्षम हैं और ले करेंगे। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद ही आप लोगों को याद आया कि आप लोगों के ओबीसी को हटाया जा रहा है या फिर उनकी उपेक्षा की जा रही है? नहीं, ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है, हमेशा रही है। ये जरूर है कि ओबीसी ऐसा समाज है जो सबका साथ दिया है, लेकिन ओबीसी की जब बारी आती है तो ये कह के गुमराह कर दिया जाता है कि ओबीसी की आज बात आई इसलिए रोड पे आए। हम हमेशा से रोड पे रहे, लेकिन हम भोले वाले समाज हैं, हम किसान कौम के लोग हैं, तो हम अपने किसानी पर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज के डेट में, आज मैं कह रही हूँ कि राजनीति की है, समाज की है, हमें अपना अधिकार चाहिए। आप जनगणना करवाओ, अगर आपको डर है तो आप जनगणना करवा दे, दूध को दूध पानी के पानी हो जाएगा, क्यों नहीं करवाते हैं? अगर आप हमारा अधिकार नहीं दे सकते हैं, डर लगता है, बिल पास करने डर लगता है, तो ओबीसी जनगणना करवाओ, वरना ये चुनाव खारिज करो, और चुनाव से पहले ओबीसी जनगणना हो जानी चाहिए। क्या ऐसी शक्ति है सरकार के पास? क्यों डरती है ओबीसी से? अभी तक डरती आ रही है, लेकिन मैं उन सदन में बैठे हुए उन ओबीसी SC ST सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग सर माना चाहिए। आप लोग ये बात क्यों उठाते हैं? बार बार चुनाव हो रहे हैं, ओबीसी के इस रोड पे बात रखे समाप्त हो जाती है, आखिर कब तक समाप्त होती जाएगी? इस बात को अब करने की जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं देती है तो हम लोगों को छीनना है, अगर नहीं देती है हम वोट का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ओबीसी कोई वोट नहीं डालने जाएगा, यही इसका चारा है। आज हमने संविधान संदेश यात्रा शुरू की है विंध्य के रीवा संभाग में। 22 तारीख को हमारी यात्रा विंध्य के शहडोल संभाग में प्रारंभ हो चुकी है। पूरे जो ऐसे लोग हैं जो संविधान की भावना को नहीं समझता है,
उस भावना को समझाने के लिए और संविधान ने हमको क्या मौलिक अधिकार दिए हैं और हमारा क्या क्या राइट्स है, एक जन जागरूकता चलाने के लिए यात्रा का शुरुआत हम लोगों ने किया है। ये रीवा जिले की हर विधानसभा में सिमरिया, सिरमौर, त्योंथर, मनगमा, महूगंज, देवतालाब और इसके बाद यात्रा निकल जाएगी सीधी जिले, वहाँ सिहाबाल, बहरी से वहाँ जितनी विधानसभाएं हैं उसके बाद यात्रा लौटेगी गुड़, उसके बाद रीवा में समापन होगा।